नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार की नीतीश सरकार पर अफसरशाही का आरोप लगता रहा है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हो या फिर गठबंधन के साथ, दोनों दौर में ये आरोप बिहार में अधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और ब्यूरोक्रेसी हावी है। आज अफसरशाही के सवाल पर बिहार विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक में खूब चर्चा हुई। खास बात ये रही कि सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेताओं ने बिहार में ब्यूरोक्रेसी के हावी होने की बात कही। 13 जुलाई को मॉनसून सत्र के दौरान बीजेपी ने पटना में विधानसभा मार्च का आयोजन किया था। इस दौरान बीजेपी के मार्च पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था, जिसमें कई विधायकों को चोट आई थी। तब प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने इस मामले को विशेषाधिकार कमेटी में ले जाने का ऐलान कर दिया था। बीजेपी की तरफ से बीजेपी ने लगातार अधिकारियों के बढ़े हुए मनोबल को लेकर खासा नाराजगी जताई और आज विधानसभा में विशेषाधिकार समिति की बैठक में उन तमाम सवालों को नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने उठाया। दरअसल स्पीकर अवध बिहारी चौधरी की अध्यक्षता में आज सदन की विशेषाधिकार समिति की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में समिति के तमाम जो सदस्य हैं वो शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के अलावा अन्य सदस्यों की मौजूदगी में बिहार में बढ़ती हुई अफसरशाही को लेकर कई शिकायतों पर चर्चा हुई। सदन की समिति के सामने आज कुल 3 मामलों पर चर्चा हुई। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के विधायक जो हैं उनके तरफ से प्रस्ताव पर चर्चा की गई और ये सहमति बनी कि जिन अधिकारियों ने विधायकों के साथ सही व्यवहार नहीं किया उन्हें समिति के सामने बुलाया जाए। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में अधिकारियों की मनमानी चल रही है, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। इसमें तमाम सवालों को आज सदन की समिति के सामने उठाया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधायकों को सदन से लेकर सड़क तक पर पीटा जा रहा है। हालांकि उनकी तरफ से जो विधायकों की पिटाई को लेकर प्रस्ताव लाया गया था उस पर आज समिति के अंदर चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन लखीसराय के तत्कालीन एएसपी के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर आज सदन में चर्चा हुई। और विधायकों का बार बार उनको लाठी का प्रहार, आंदोलन में उसे प्रताड़ित करना, उनके प्रश्नों का पत्रों का जवाब नहीं देना, उनसे मिलने का समय नहीं देना, जाए तो सौजन्यता प्रकट नहीं करना, हमारे माननीय विधायक जयप्रकाश यादव जी का झंडा खोलवा दे पार्टी का, पदाधिकारियों की ये व्यवहार कहीं न कहीं विधायिका को लज्जित करता है, कमजोर करता है। इसके अलावा सीपीआई के विधायक अजय कुमार के साथ मधुबनी के एसडीओ की तरफ से गलत बर्ताव किए जाने को लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक के बाद महागठबंधन के नेताओं ने सरकार और अधिकारियों की मनमानी को लेकर सवाल खड़े किए। सीपीआई के विधायक अजय कुमार ने कहा कि विधायिका कार्यपालिका के सामने बिहार में बौना साबित हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में समिति के सामने हमने कई सवाल उठाए। ये कितना गंभीर मामला है, ये घटनाएं एक एमएलए के साथ नहीं घटती है। आए दिन विधानसभा में सुनते रहते हैं कि वीडियो बैठने नहीं दिया, लेकिन लोग इसको नहीं उठाते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। समिति के सदस्य कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास ने कहा कि सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ गंभीरता से विचार करेगी, क्योंकि मौजूदा नीतीश सरकार ना किसी को बचाती है ना ही फंसाती है। विधायकों का मान सम्मान और लोकतंत्र की जो संवैधानिक अधिकार जो विधायकों को है, जो जनप्रतिनिधियों को मिला है, उसी पे विशेष समिति का आज विशेषाधिकार समिति का बैठक था, उसी में हम उपस्थित थे। बात होगी, सब विषय पे बात होगी। हमारे माननीय अध्यक्ष और बिहार की सरकार सभी समस्याओं को और सभी मुद्दों को गंभीरता से देखती है। सरकार किसी भी बात से पीछे हटने वाली नहीं। विशेषाधिकार समिति को की बैठक के बाद सदस्य कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी नियमों के मुताबिक दोषी अधिकारियों पर एक्शन की बात कही। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विधायकों को अपना अधिकार भी समझना होगा ताकि विशेषाधिकार का सही सम्मान हो पाएगा। विशेषाधिकार क्या होता है? पहले तो विशेषाधिकार हनन की बात करने से पहले विशेषाधिकार समझना पड़ता है ना। तो भाजपा के लोग जो बात कह रहे थे तो वो तो स्पीकर भी रहे हैं, इसलिए ज़रूर उस बात को समझते होंगे, हम मानते हैं। और उस हिसाब से कोई ऐसी बात होगी तो हमने तो सरकार की तरफ से भी कहा है अध्यक्ष महोदय को कि सरकार हर हाल में माननीय विधायकों
या विधायिका, दोनों की प्रतिष्ठा और सम्मान पर किसी प्रकार का ठेस नहीं लगने देना चाहती। उसके सम्मान की रक्षा हर हाल में होनी चाहिए। समिति की बैठक में शामिल होने वाले जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर उचित कदम उठाने की बात कही है। माननीय विधायक अगर देते हैं तो उन परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है, उसकी जांच की जाती है, उस पर कार्रवाई भी होती है। अगर किसी माननीय सदस्य के साथ अगर दुर्व्यवहार करते हैं, अगर वो माननीय विधायक को सम्मान नहीं देते हैं और नियम और प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। पर इसी सदन में देखा है आपने कि बहुत बड़े बड़े ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होती है। तो बिहार में अब अफसरशाही का जो मुद्दा है वो काफी गर्मा गया है और अब विधानसभा में इस मुद्दे को जमकर उठाया गया है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अफसरशाही का कितना बोलबाला है।